भाइयों बहनों, हमने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक योजनाएं बनाई हैं। ठीक उसी तरह असंभव से दिखने वाले कार्य जैसे रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को बंद करना, पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाना, बीपीएल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना, हरियाणा के हजारों गाँव को लाल डोरे से मुक्त करना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधी सहायता पहुंचाना और हर हरियाणावासी का परिवार पहचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सभी कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अंत्योदय योजना आदि द्वारा गरीबों को लाभ दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमने सुशासन का संकल्प लिया है, ये वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाया जा रहा है। जंजीरें केवल गुलामी की अंग्रेजों की नहीं थी बल्कि एक मानसिकता की भी थी जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। सत्ता को शासन का जरिया बनाकर रखा, कभी जनता की सेवा का ख्याल नहीं रखा। हमें इस मानसिकता से भी देश को आज़ाद करना है। हम सुशासन शब्दों से, कागजों से और बातों से नहीं लाएंगे बल्कि सुशासन समाज को संकल्प से और सभी को साथ लेकर लाएंगे। इस ऐतिहासिक दिवस पर जब हम अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं तो आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नवनिर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। इस पावन अवसर पर मैं फिर से एक बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हरियाणा के कर्मठ लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।